हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो आज की इस क्लास में हम लोग फलन के बारे में देखने वाले हैं। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को इस अध्याय का संबंध वाला पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। दो वीडियो में हम लोग संबंध को पूरा समझ गए थे। सिमिलरली मैं फलन को भी दो वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। पहले मैं आप लोग को फलन और फलन के प्रकार पूरा अच्छे से बता दूंगा, उसके बाद आप लोग को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो दो वीडियो में फलन को भी मैं समाप्त कर दूंगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो में डायरेक्ट आए हो तो मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि पहले संबंध वाला वीडियो करो। हम लोग अध्याय एक संबंध एवं फलन में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका संबंध वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग फलन को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, फलन की मैं बात कर रहा हूं। फलन क्या बोल रहा है पहले ध्यान से देखो। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, देखो समुच्चय क्या है, अवयव क्या है, संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब, यहां पर ध्यान से देखो, एक और केवल एक ही प्रतिबिंब समुच्चय B में उपस्थित हो। क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है, हम लोग संबंध में पढ़े। समुच्चय A है, अगर मैं समुच्चय A का अवयव बता देता हूं, कुछ भी हो सकता है, A B C डी, ये समुच्चय A का अवयव है। समुच्चय B का अवयव में बनाया एक दो तीन चार। देखो क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है, एक ही प्रतिबिंब समुच्चय B में होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं A से B में एक फंक्शन F परिभाषित कर रहा हूं और A का मैं संबंध एक से कर रहा हूं, B का दो के साथ, सी का तीन के साथ और डी का चार के साथ। अभी ध्यान से देखते जाओ, क्या आपको परिभाषा से समझ में आया कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का, ये समुच्चय है और उसका प्रत्येक अवयव, चलो मैं इसको X नाम दिया और इसको Y, सब हम लोग संबंध में पढ़ के आ चुके हैं। ये जो A का प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिबिंब समुच्चय B में उपस्थित होना चाहिए, केवल और केवल एक। अभी ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, एक और चीज मैं बता रहा हूं। ये समुच्चय A है और समुच्चय B है, अगर मैं यहां पे किया एक दो तीन चार, यहां पे मैं कर दिया छह सात आठ नौ, ठीक है। अभी आसान शब्दों में बताऊंगा मैं, अगर मैं यहां A से B में एक फंक्शन परिभाषित किया, A का संबंध छह से, दो का छह के साथ, तीन का सात के साथ, चार का आठ के साथ, क्या ये फलन है? हाँ है, ये भी फलन है, ये भी फलन है और ये भी फलन है। अभी ध्यान से देखते जाना, अभी बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना, अभी बताऊंगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, तो ये समुच्चय A लिया, ये समुच्चय B लिया, एक दो तीन चार, यहां पे मैं ले लेता हूं A B C D। ध्यान से देखो, A से B में एक फंक्शन परिभाषित किया मैं F, क्लियर है। एक का संबंध A से, एक का संबंध B से, दो का संबंध C से और तीन का संबंध D से। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये हमारा फलन नहीं है। अब आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं, किसको बता रहा हूं, फलन को। फलन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से, ये जो है समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से एक ही तीर निकलना चाहिए। मैं बोला एक ही तीर निकलना चाहिए, ये बुक का लैंग्वेज में मत जाओ, बुक का लैंग्वेज में मत जाओ, परिभाषा लिखने तो आएगा नहीं। तो देखो, मैं बोला समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकलना चाहिए। देखो, A से एक तीर निकला है, B से एक तीर निकला, C से एक तीर निकला और D से एक तीर निकला, पास हो गया, ये पास हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फलन है। इसमें भी इसमें देखो, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के साथ प्रत्येक अवयव से एक तीर निकलना चाहिए। देखो, एक से एक तीर निकला, दो से एक तीर निकला, तीन से एक तीर निकला और चार से एक तीर निकला, ये भी पास, ठीक है। इसी को बुक के लैंग्वेज में बोलते हैं कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब समुच्चय B में है, ठीक है। अगर बुक का लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकले, एक तीर निकला, अभी मस्त चीज बताऊंगा। अभी इसमें देखो, ये दो तरीके से फेल हुआ, बताऊं क्यों दो तरीके से फेल हुआ, कि यहां पे देखो, समुच्चय A का जो पहला अवयव है ना, इसका एक प्रतिबिंब नहीं है, इसका दो दो प्रतिबिंब है, दो दो प्रतिबिंब है। एक का प्रतिबिंब ए भी है, एक का प्रतिबिंब बी भी है, तो ये तो फेल हो गया। या मैं अपने शब्दों में बताया कि समुच्चय A के अवयव से एक तीर निकले, देखो इस एक से दो तीर निकल रहे,
इसका मतलब ये तो फेल हो गया, पहला तो फेल हो गया। दूसरा बताऊं और कहां से फेल हुआ, देखो क्या लिखा है, समुच्चय के प्रत्येक अवयव लिखा है, प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव ये पहले वाले से छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखो कि चार का तो किसी के साथ प्रतिबिंब नहीं बना है, चार का किसी के साथ प्रतिबिंब नहीं बना है, तो दो कारणों से फेल हो गया ये। यहां से दो तीर निकला इसके कारण फेल हो गया, और यहां एक भी तीर नहीं निकला ये छूट गया। प्रत्येक अवयव बोला है, प्रत्येक अवयव समुच्चय का प्रत्येक अवयव से एक तीर निकलना चाहिए। अगर मैं बोलूं फलन क्या है, समुच्चय एक, यानी पहला वाला समुच्चय प्रत्येक अवयव से एक तीर निकलना चाहिए। ऐसे हम लोग याद करने का तरीका देखो, अगर ध्यान से बस देखते रहना ना, अगर ये बेटा है, मान लो ये है बेटा और यहां है मां, ठीक है, क्लियर है, बस ध्यान से देखते रहना, ये है बेटा और ये है मां, ठीक है। मान लो ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, तो अगर ध्यान से अगर देखोगे तो एक बेटे के एक मां हो सकते हैं, एक बेटे के एक मां हो सकते हैं, ये वाला कंडीशन, एक से एक ही तीर निकला, हां हो सकते हैं। अब ये वाला कंडीशन बोल रहा हूं मैं, ये वाला कंडीशन बोल रहा हूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, इसमें देखो एक बेटा का एक मां, दूसरे बेटे के भी वही मां, तो एक बेटा का एक मां हो सकता है, हां दूसरे बेटे के भी एक मां हो सकते हैं। मतलब अगर आप देखो तो एक मां के दो बेटे तो हो सकते हैं ना, एक मां के दो बेटे हो सकते हैं, एक मां के दो बेटे हो सकते हैं, ये भी क्लियर है, ये वाला कंडीशन। और यहां पर तो एक बेटे के एक मां है, एक बेटे के एक मां है, यहां पे दो बेटे के एक मां है, हो सकता है भाई एक मां के दो बेटे। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो आप लोग, तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं यहां पे, ये एक बेटा है उसकी दो दो मां कैसे हो सकती, बताओ। ये जस्ट याद रखने का तरीका है, एक बेटे की दो मां कैसे हो सकती है। इसलिए मैं बोला कि एक अवयव के से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और अगर ये छूट गया, ये छूट गया तो ये ऐसा बेटा है जिसकी कोई मां ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग याद ऐसे ही रखेंगे। देखो एक बेटे की दो मां नहीं हो सकती, तो कैसे याद करवाया मैं, तो या तो आप ऐसे याद कर लो एक बेटे की दो मां नहीं हो सकती, या तो आप ऐसे याद कर लो कि एक अवयव से दो तीर नहीं निकलना चाहिए और कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। देखो कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, देखो ये छूटा, तो इसको बोलते हैं भाई फलन। तो फलन में ये चीज फिक्स है, फलन में ये चीज फिक्स है कि कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो गया फलन। अब फलन के चार प्रकार के बारे में मैं बात करता हूं। इस चार प्रकार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एकैकी और आच्छादक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकैकी और आच्छादक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चार प्रकार होते हैं एकैकी फलन, सो इंग्लिश में बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, बहुएकी फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, थर्ड होता है आच्छादक फलन, ठीक है, इसको इंग्लिश में वन टू फंक्शन बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन ये चौथा प्रकार होता है जिसको इन टू फंक्शन बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझ से जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं पहले आप लोग हेडिंग डाल लो एकैकी फलन, एकैकी फलन किसको बोलते हैं, समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब हो, क्या बोल रही है, समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब हो, एक लौता प्रतिबिंब हो, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये समुच्चय ए और समुच्चय बी लिया, इसके अंदर में एक फंक्शन एफ परिभाषित किया, ये बोला समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब हो, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं एक दो तीन चार, ये पांच कर लो, ये एक्स कर दिया, समुच्चय ए के अवयव को एक्स बोला, इसको मैं ए बी सी डी ई, इसको मैं वाई बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या। चलो ये बोल रहा है समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब हो, समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब हो, देखो एक लौता प्रतिबिंब, एक का एक लौता प्रतिबिंब, ठीक है भाई, दो का एक लौता प्रतिबिंब, तीन का लौता प्रतिबिंब यहां डाल दो, चार का एक लौता प्रतिबिंब ऐसे कर दो, पांच का एक लौता प्रतिबिंब ये कर दो, ये जो ऐसे रिलेशन बन रहा है ना संबंध, यही ये एक यहां से ए में गया वही है प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब ई है, चार का प्रतिबिंब सी और पांच का प्रतिबिंब डी है। तो ये बोला है समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब होना चाहिए। अब हम लोग किसकी बात करें, एक एक ही फलन, तो फलन है तो सब अवयव से तीर निकलना चाहिए कंफर्म। अगर मान लो ये छह रहता और इससे तीर नहीं निकालते तो ये फलन ही नहीं होता,
ये फलन ही नहीं होता, ये मतलब ये ऐसा बेटा है जिसकी माँ ही नहीं है, तो ये फलन ही नहीं होता तो एकैकी कहां से हो जाता, तो फिर एकैकी कैसे होता? अरे पहले फलन होगा तब फलन का प्रकार होगा ना, तो अगर यहां पर से छह लिख देता हूं, छह से मैं तीर नहीं निकाला हूं तो फलन ही नहीं होता, अगर वो फलन ही नहीं है तो एकैकी फलन तो दूर की बात है। एक और मैं आप लोग ले रहा हूं एग्जाम्पल, समुच्चय का एक लौता प्रतिबिंब, बस ध्यान से देखना, अगर मैं लिखा एक एक दो तीन चार, यहां पे लिख रहा हूं छह सात आठ नौ, आप लोग मेरे को बताना ठीक है। समुच्चय ए का एक लौता प्रतिबिंब होना चाहिए, एक का प्रतिबिंब क्या बना छह, एक का प्रतिबिंब बना छह, दो का प्रतिबिंब बना छह, तीन का प्रतिबिंब बना सात, चार का प्रतिबिंब बना आठ, इधर का छूट जाए मेरे को फर्क नहीं है फलन के लिए, इस समुच्चय का पहले समुच्चय का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो देखो फलन का जो कंडीशन है वो तो पास कर दिया, फलन का कंडीशन ये पास कर दिया, फलन का कंडीशन तो पास कर दिया, ये फलन का कंडीशन तो पास कर दिया। अब ध्यान से देखो, समुच्चय A का एक लौता प्रतिबिंब होना चाहिए, अगर मैं इसको यहां पे कर देता हूं, अभी थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं नहीं किया, ये मैं बता दिया और यहां पे पांच लिख देता हूं। चलो अब मेरे को बताना, ये तो है, ये तो मेरा एक एक ही फलन है, ये एक एक ही फलन है कि नहीं, मेरे को बताओ ये एक एक ही फलन है कि नहीं, ये एक एक ही फलन है कि नहीं, एक एक ही फलन नहीं है सर, नहीं है, क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं, क्योंकि नहीं है, फलन के कंडीशन को ही पास नहीं कर रहे, फलन के कंडीशन को ही पास नहीं किया, ये फलन का कंडीशन बोलता है कि जो पहला समुच्चय है उसके सब अवयव के साथ तीर निकलना चाहिए, तो ये फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है तो फिर एक एक ही कैसे होगा। तो ठीक है, तो मैं पता कर लिया कि समुच्चय का एक लौता अगर प्रतिबिंब है तो वो क्या होगा, एक एक ही होगा, एक एक ही होगा। ध्यान से देखो, अब बहु एक ही फलन मैनी टू वन, नाम से लग रहा है मैनी टू वन मतलब बहुत सारे का एक में, बहुत सारे का एक में, यहां पे क्या बोला है, समुच्चय A का एक लौता प्रतिबिंब ना हो बोला है, एक एक ही क्या है, समुच्चय A का एक लौता प्रतिबिंब हो, और इससे पहले फलन में क्या बोला था, समुच्चय से एक ही तीर निकले। ध्यान से देखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, फलन क्या है, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकले, इसको मैं क्या बोलूंगा, फलन बोलूंगा। एक एक ही क्या है, समुच्चय का एक लौता प्रतिबिंब बने, ठीक है। अब यह क्या है, समुच्चय का एक लौता प्रतिबिंब ना हो, एक लौता प्रतिबिंब ना हो, और नाम से देखो क्या है, बहु एक ही फंक्शन मैनी टू वन, तो मैं ऐसे कर देता हूं वन टू थ्री फोर, यहां पे कर दो ए बी सी डी, देखो मैनी टू वन है, तो एक का मैं ए से कर देता हूं, ए से बी में भाई फलन लिखो फंक्शन, दो का ए से कर देता हूं, तीन का बी से कर देता हूं, चार का सी से कर देता हूं, इधर का छूट जाए मेरे को मतलब नहीं। देखो मैनी टू वन हो गया, बहुत का एक, नाम से देखो मैनी टू वन मतलब बहुत का एक, बहु एक ही, बहुत सारे का एक, बहुत सारे का एक, बहुत सारे का एक। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल लिया, एक दो तीन चार ए बी, एक मैं यहां पे एफ फलन लिया, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये मेरे को बताओ है कि नहीं, ये मेरे को बताओ आप लोग, ये मेरे को बताओ बहु एक ही है कि नहीं, हाँ बहु एक ही है सर, देखो बहुत का एक के साथ, ठीक है बस ये होना चाहिए, इसका एक के साथ है कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे फंक्शन में बहुत का एक के साथ एक बार दिख गया तो ठीक है, बार बार दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार दिख गया ना बस, एक बार दिख गया ना बहुत का एक के साथ फंक्शन, तो ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगा बहु एक ही, बहु एक ही है, ये बहु एक ही फलन है मैनी टू वन, एक का एक लौता प्रतिबिंब नहीं है। देखो एक का प्रतिबिंब क्या है, एक का प्रतिबिंब ए है, इसमें देखो दो का प्रतिबिंब, दो का प्रतिबिंब भी ए है, तीन का प्रतिबिंब भी ए है, मतलब एक नहीं बोल सकता मेरे पास, मैं तो भैया मेरे पास एक लौता ए है ऐसा नहीं बोल सकता, ये वो दो के पास भी है तीन के पास भी है, ठीक है, तो ऐसे नाम से करना बहु एक ही करना बहुत का एक के साथ, तो ये क्या हो गया बहु एक ही। अब देखो ध्यान से देखो, आच्छादक फलन, अगर आप लोग संबंध में प्रांत सह प्रांत और परिसर पढ़े हो तो ये समझ में आएगा, यहां सह प्रांत के बारे में मैं बताने वाला हूं, यदि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो,
ठीक है। स प्रांत कहां से देखते हैं, समुच्च ए। अगर मेरे को प्रांत देखना है तो समुच्च ए से जहां से तीर निकल रहा है उसको हम लोग प्रांत देखते थे। परिसर क्या बोलते थे, यहां पे तीर आ रहा है समुच्च बी में। और परिसर के पहले हम लोग स प्रांत के थे। स प्रांत क्या होता है, दूसरे वाला है समुच्च, जो सेकंड वाला समुच्च होता है, जो सेकंड वाला समुच्च होता है उसके सभी अवयव, उसके सभी अवयव। तो ध्यान से देखना मैं बता रहा हूं। अगर मैं लिखूं एक दो तीन चार, अगर लिखूं ए बी सी डी, ए से बी में एक फलन में एफ डाला, तो ध्यान से देखो। अब मेरे को यहां मेरे को स प्रांत से मतलब है स प्रांत सेकंड वाला, स प्रांत सेकंड वाला समुच्च होता है, सेकंड वाले समुच्च के सभी अवयव। अभी मैं बता रहा हूं, अगर मैं ऐसे करा, ये मैं किया, ये मैं कर दिया और ये मैं कर दिया, तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं इसमें, क्या बोल रहा है, यदि सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत क्या है, ये है मेरा सह प्रांत ए बी सी डी, सेकंड वाला समुच्च के सभी अवयव को सह प्रांत बोलते हैं। तो मेरा सह प्रांत ये है, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। देखो जैसे ए है, इस ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, एक, एक का प्रतिबिंब ए है तो ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, दो का प्रतिबिंब बी है, बी का पूर्व प्रतिबिंब सी है, दो है। सिमिलरली सी का पूर्व प्रतिबिंब तीन है और डी का पूर्व प्रतिबिंब चार है। तो यहां से मैं दूसरे वाले समुच्चय देखा और सभी अवयव का अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो उसको मैं आच्छादक बोल रहा हूं। तो सर किस केस में आच्छादक नहीं होगा आप बताओ। ये देखो इसी को मैं लिया एक दो तीन चार, ए से बी में एक फलन एफ परिभाषित किया, ए बी सी डी। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये। अभी मेरे को किसी से मतलब नहीं, अभी मेरे को सिर्फ सह प्रांत से मतलब है। अब देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, बी का पूर्व प्रतिबिंब दो है, सी का पूर्व प्रतिबिंब तीन और चार है, डी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, इस डी का पूर्व प्रतिबिंब देख रहे हो आप लोग, डी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है नहीं मालूम। तो ये क्या हो गया, आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक नहीं है क्योंकि सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूं ये सेकंड वाले समुच्चय में सभी अवयव में तीर आना चाहिए, तीर आना चाहिए। तो ये है और वो नहीं है, क्लियर है क्या। अब ये लास्ट, ये लास्ट है क्या, अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन बोलते हैं। सेम अपोजिट है किसका, इससे पहले जो पढ़े ऑनटू का अपोजिट है ये। उसमें क्या है, स प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यदि स प्रांत के सभी अवयव, स प्रांत का सभी अवयव मतलब बी का सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, अगर मैं बोलूं एक दो तीन चार, यहां पे ए बी सी डी, बस ध्यान से बस देखते रहना, ध्यान से बस देखते रहना, हो गया है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं ये और ये, अभी ध्यान से बस देखते रहो, ध्यान से बस देखते रहो, ए से बी में अगर मैं एक फलन कर दूं एक दो तीन चार, ये समुच्च ए का अवयव है ए बी सी डी। अगर मैं आप लोग को ऐसा करके कुछ इस प्रकार मैं एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहा, अब मेरे को आप लोग ये बताओ अंतःक्षेपी फलन, ठीक है, इन दोनों में से अंतःक्षेपी फलन कौन है। तो आप लोग अंतःक्षेपी यानी कि इनटू फंक्शन, इससे हम, इससे पहले हम लोग जो पढ़े आच्छादक वो होता है ऑन टू फंक्शन। मेरे को आप लोग बता दो कि आच्छादक कौन है और अंतःक्षेपी कौन है, आच्छादक कौन है। तो आच्छादक क्या होता है, सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब हो। देखो एक का पूर्व प्रतिबिंब है, बी का पूर्व प्रतिबिंब, सी का पूर्व प्रतिबिंब और डी का पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये तो आच्छादक हो गया। आच्छादक को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी क्या होता है, इस सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होना चाहिए। देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब है, बी का पूर्व प्रतिबिंब है, सी का पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन डी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, डी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं हो सकता, इसलिए यह अंतःक्षेपी है। तो यह हो गया इनटू फंक्शन और यह हो गया ऑन टू फंक्शन, यह हो गया आच्छादक, यह हो गया अंतःक्षेपी, आच्छादक अंतःक्षेपी। सब चीज में एक कॉमन था कि ये पहले वाले अवयव से तीर निकलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले फलन का कंडीशन पास करेगा तभी तो ये फलन के प्रकार में आएगा। तो सब मैं पढ़ा दिया,
आप लोग जो जो बोला हूं एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से उसको कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, सब बनेगा। अब नेक्स्ट क्लास में बोला मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये तो इजी है, ऐसे देख के बता दिया, अब इतना इजी थोड़ा आएगा एग्जाम में, चार अंक के आते हैं तो ये तो नहीं आएगा, पर इसको बिना जाने हम क्वेश्चन कैसे बना लेंगे, यही तो गणित की ब्यूटी, आपको बेसिक जानना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फलन के क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग इसको पूरा समझ के आना और संबंध वाला मेरे वीडियो देख के आना। तो मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।